आज के इस वीडियो में मैं एक बात कहूंगा। सबसे पहले तो कि मैंने सीकर लोकसभा से कल नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पहली बात, कहीं भी चाहे वो अग्निपथ की लड़ाई हो, चाहे एक ड्राइवर पर काला कानून थोपा गया हो, ड्राइवर भाइयों को कहना चाहता हूं, या हमारे किसान भाई जो आज बैठे हैं, या ओआरओपी के लिए हमारे सैनिक बैठे हैं, कोई निकलकर कोई भी नेता, ना बीजेपी ना कांग्रेस का कोई नहीं आया। अब ये चुनाव में सिर्फ आपके मुद्दे कि हमको ये, आपको ये दिला देंगे वो दिला देंगे, लेकिन ये लीडर के ग्राउंड में लड़ने आए थे। ग्राउंड में रविंद्र फौजी ही लड़ रहा था। चाहे जयपुर से दिल्ली यात्रा हो, चाहे जंतर मंतर में धरना हो, चाहे हमें उठाकर जेलों में डाला गया हो, अंडर कस्टडी लिया गया हो, चाहे हमने लठ खाए हैं, मरने और कटने के लिए योद्धा ही लड़ते हैं, और योद्धा आज इस मैदान में है। अब सीकर की जनता को तय करना है कि आपको बार बार पार्टी के गुलाम बनकर इन लोगों को वोट देना है, या आपने जनता आप देश के सही लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल से जुड़े, और हर एक चैनल जो भी यूट्यूब के हैं, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इस वीडियो को जरूर डालें। मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट या कुछ नहीं होगा, और इस चुनाव में हमारी मदद करें। जो चैनल हमारी मदद करेगा, हम उनके वीडियो मेरे हजारों ग्रुपों में, YouTube पर, हर जगह मैं शेयर करूंगा। आप हमारी मदद करोगे, अपने आप आपका भी प्रमोट होगा और हमारी ताकत बढ़ेगी इन बिके हुए चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, एक छोटी सी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं, इस सूचना को आगे से आगे जरूर शेयर करें। कल मैंने सीकर लोकसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नामांकन पत्र आज जांच हो रहे हैं, अगर सही पाए जाते हैं तो 30 तारीख को हमें चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। ये कोई रविंद्र फौजी का अकेले का चुनाव नहीं है, ना ही ये किसी जाति विशेष का चुनाव है। ये चुनाव है आप लोगों को जगाने का, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल से आता हूं, रविंद्र सिंह शेखावत राजपूत हूं, और मैंने कभी भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की और ना ही आगे करूंगा। मैं देश का एक सैनिक जो 17 साल देश सेवा करके वापिस आया, और लगातार 7 साल से मैं सेना के जवानों पर हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं। चाहे वो सेना में अफसरों द्वारा हमारे ही सैनिकों का शोषण, घरेलू कामों में यूज, जिसके लिए मैंने दिल्ली में 3 बार धरना दिया, जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ बिपिन रावत जी थे उनसे मिला, हालांकि उन्होंने कहा कि हम इस योजना को बंद करेंगे और इसके लिए सिविल सहायक भर्ती करेंगे, लेकिन फिर अग्निपथ योजना देश के जवानों पर थोप दी गई, और फिर जवानों को 4 साल की नौकरी बगैर पेंशन, मर गए तो शहीद का दर्जा नहीं, और इस तरह की एक घटिया योजना से जवानों को मनोबल तोड़ दिया गया। देश के नौजवानों की, जिनकी मेहनत, जो भर्ती में सेलेक्ट हो गए थे एयरफोर्स के जवान युवा, उनकी भर्तियां रद्द, आर्मी एग्जाम रद्द किया, और 2 साल कहीं ना कहीं 4 साल उनको घुमाकर और भटकने के लिए मजबूर किया। इन सब की आवाज, इन सब की लड़ाई के लिए रविंद्र फौजी ने सीकर से लोकसभा इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया, सभी के कहने से। अब आपका फर्ज बनता है, क्योंकि रविंद्र फौजी कोई नेता नहीं है, ना कोई लीडर है, साधारण देश का जवान है, लेकिन लड़ने और मरने के लिए मैं फिर कहता हूं कि जिस तरह महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया था, लेकिन आधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो मुझे सिर्फ गुलामी पसंद नहीं, क्योंकि चंद लोग अब सिर्फ इन पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं। कोई जाति के नाम पर इनको वोट दे रहा है, कोई धर्म के नाम पर इनको वोट दे रहा है, कोई कांग्रेस के साथ जा रहा है, तो कोई बीजेपी के साथ जा रहा है, और कैंडिडेट आज के दिन में अगर किसी भी ग्राउंड में कहीं भी, चाहे वो अग्निपथ की लड़ाई हो, चाहे एक ड्राइवर पर काला कानून थोपा गया हो, ड्राइवर भाइयों को कहना चाहता हूं, या हमारे किसान भाई जो आज बैठे हैं, या ओआरओपी के लिए हमारे सैनिक बैठे हैं, कोई निकलकर कोई भी नेता, ना बीजेपी ना कांग्रेस का कोई नहीं आया। अब ये चुनाव में सिर्फ आपके मुद्दे कि हमको ये, आपको ये दिला देंगे वो दिला देंगे, लेकिन ये लीडर के ग्राउंड में लड़ने आए थे। ग्राउंड में रविंद्र फौजी ही लड़ रहा था। चाहे जयपुर से दिल्ली यात्रा हो, चाहे जंतर मंतर में धरना हो, चाहे हमें
उठाकर जेलों में डाला गया हो, अंडर कस्टडी लिया गया हो, चाहे हमने लठ खाए हैं, मरने और कटने के लिए योद्धा ही लड़ते हैं और योद्धा आज इस मैदान में है। अब सीकर की जनता को तय करना है कि आपको बार बार पार्टी के गुलाम बनकर इन लोगों को वोट देना है, या आपने जनता का उम्मीदवार, अपना उम्मीदवार चुनकर इन पार्टियों को जवाब देना है। बहुत लोग कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने देश को लूटा, अब 10 साल से ये भी लूट रहे हैं। पार्टियों के जगहों के नाम चेंज, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इनकी खुद की पार्टी के रक्षा मंत्री संसद में बोलते हैं कि सहायक प्रथा जो कि अंग्रेजों की बनाई हुई थी, जिसमें ऑफिसर्स ब्रिटिश आर्मी के ब्रिटिश के होते थे और जवान जैसे भारत के होते थे, तो वो उन्हें एक बोलते थे इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड, मतलब एक कुत्ते की नजर से देखते थे, घरेलू काम कराते थे, बूट पोलिस, कुत्ता घुमाना, मैम साहब के बच्चों के कच्चे तक दुलाना, जो आज भी ऐसे केसेस सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में चल रहा है, और जिसके लिए संसद में इनके नेता कहते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, नहीं बदलेंगे। कहीं ना कहीं हमारे आवाज से सीडीएस साहब विपिन रावत जी बदलना चाहते थे, लेकिन उनका हादसा हुआ या करवा दिया, और फिर ये एकाएक अग्निपथ योजना थोप दी। लेकिन अब मैं उन युवाओं को, किसानों को, जवानों को, ड्राइवर भाइयों को कहना चाहता हूं कि ग्राउंड में आओ, साथ दो, नहीं तो इसी तरह धरना देते रहोगे, फिर 5 साल के लिए इनका कब्जा हो जाएगा, और फिर अगला नंबर जैसे आ रहा है ना अभी, बीएड वालों का, फिर आएगा बीटेक वालों का, फिर काला कानून, पता नहीं वकीलों पर थोपा जाएगा, फिर किसी और पर, और आपके बच्चों की इस तरह मेहनत रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि नेताओं की पेंशन बंद नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स की बंद है, कर्मचारियों की बंद है, ये और इनके बच्चे यूं ही मौज करेंगे, आप और हमारे बच्चे फिर अगले किसी चीज का शिकार होंगे अगर आप नहीं जागे तो। मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जगो, हमारा साथ दो, सर्वसमाज 36 को, ताकि हम इनको जवाब दे सकें। सही लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल से जुड़ें, और हर एक चैनल जो भी यूट्यूब के हैं, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इस वीडियो को जरूर डालें, मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट या कुछ नहीं होगा, और इस चुनाव में हमारी मदद करें, जो चैनल हमारी मदद करेगा, हम उनके वीडियो मेरे हजारों ग्रुपों में, यूट्यूब पर, हर जगह मैं शेयर करूंगा, आप हमारी मदद करोगे, अपने आप आपका भी प्रमोट होगा और हमारी ताकत बढ़ेगी, इन बिके हुए चैनलों से मजबूत हम हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।